अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम अबुबकर किचन में। वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। जैसा कि आपको पता है हॉलीडेज का सीजन चले और इन हॉलीडेज के सीजन के अंदर हर इंसान का दिल करता है कोई ना कोई मजे की रेसिपी ट्राई की जाए। तो ऐसा चीज लवर आप लोग की भरपूर फरमाइश पे बनने जा रहे हैं मजेदार लॉडेड फ्रेंच फ्राइज। ये जो आज के स्पेशल फ्रेंच फ्राइज होने वाले ये मेरे जैसे आप सब जैसे चीज़ लवर्स के लिए स्पेशल है, क्योंकि जो आज के फ्रेंच फ्राइज है वो हमारे चीज़ के साथ लोडेड होने वाले और बड़ी टेस्टी है। इसमें हम लोग चीज़ की लेयरिंग करेंगे। तो चलें देखते हैं ये जो फ्रेंच फ्राइज है इसको हम लोग चीज़ी किस्म के लोडेड किस्म के किस तरह बनाते हैं, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं कि हमारे फ्रेंच फ्राइज इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 1 kg यहाँ पे हम लोगों ने पोटैटो लिए हैं, आलू लिए जिनको हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज साइज में काट। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे पानी लिया, इसको हम लोग 10 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे, अच्छे तरीके से इसको बॉयल होने देंगे। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा जो वाटर है बॉयल हो चुका है, फ्लेम हम लोगों ने बंद कर दी है। थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये स्टीम निकल जाए, वरना एकदम हमारी कैमरा जो है बिल्कुल स्टीम से भर जाता है। थोड़ा सा वेट करेंगे। तो चलें, तो ये देखें यहाँ पे हम लोग इसमें फ्रेंच फ्राइज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इसको हम लोग 10 मिनट के लिए सोक कर देंगे, भिगो देंगे और मिलते हैं आपको 10 मिनट के बाद। तो ये 10 मिनट गुजर चुके हैं, हम लोगों ने इसका कवर हटा दिया। अच्छे तरीके से हम लोग इसको रिंस आउट कर देंगे, जितने भी हमारे फ्राइज हैं इनको हम लोग बाहर निकाल देंगे। हम लोगों ने इसको 10 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर के अंदर रख लिया था, लेकिन हम लोगों ने वाटर की फ्लेम बंद कर दी थी। हम लोगों ने इसे रिंस आउट कर दिए। तो चले अब हम लोग इसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं एटलीस्ट 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए। इस टाइमिंग का बहुत ख्याल रखते हैं, 1 घंटे के लिए हम इसे रेफ्रिजरेट कर देते हैं। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो चलते हैं अपनी चीज़ी डिप की तरफ। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम फ्लेम ऑन करके हम लोग बीच में 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे बटर। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, मिक्सअप कर देंगे हम लोग। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून चिली सॉस और इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप कर देंगे। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक 1/4 टीस्पून। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून मायोनीज। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून मिल्क। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1 कप मोज़रेला चीज। यहाँ पे हम लोगों ने ली है 1 कप मोज़रेला चीज। सो यहाँ पे मिक्स हो चुका है, ये देख सकते हैं आप ये कितना ज़्यादा चीज़ी हो चुका है और स्टिकी हो चुका है। तो अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम लोगों ने 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ये हम लोगों ने यहाँ पे 4 स्लाइसेस यूज़ की हैं चेडर चीज़ की। अब हम लोग इसको मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो चेडर चीज़ ग्रिंड हुई भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्लाइसेस यूज़ किए। अगर आप चेडर चीज़ यूज़ करें तो आप लोगों ने इसको 1/2 कप लेना है, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 स्लाइसेस ली हैं। अगर आप उसको कप वाइज यूज़ करें गार्निश करने के लिए तो आप उससे 1/2 कप यूज़ करेंगे। तो ये देखें सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलें इसको हम लोग फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसको हम लोग साइड पे कर लेते हैं। 1 आवर हो चुका है, 1 घंटे के बाद हम लोगों ने अपने फ्रेंच फ्राइज को निकाल दिया है। तो ये देखें यहाँ पर हम लोगों ने सो व्यूअर्स यहाँ पे हम लोगों ने ऑयल लिए जिसको हम लोगों ने प्री हीट कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात के साथ हम लोग इसमें ऐड कर देंगे अपने फ्रेंच फ्राइज। हम लोगों ने 5 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर देना है, जब तक अच्छे तरीके से नहीं, जब तक ये लाइटली गोल्डन ना हो जाए, यानी 100 में से 60% कुक ना हो जाए। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं यहाँ पे एटलीस्ट हमारा 60% ये कुक हो चुके हैं और लाइट ब्राउन कलर, लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले डिश आउट कर देते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने लास्ट डाल दिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर देना है, अपनी फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर देना है और एटलीस्ट 8 से 10 मिनट के लिए हम लोगों ने अपने चिप्स को हम लोगों ने बाहर रखने, ताकि इसको हवा लग सके और ये क्रिस्पी हो सके। तो मिलते हैं 8 मिनट के बाद। सो व्यूअर्स 8 मिनट गुजर चुके हैं। तो चलें इसमें हम लोग दोबारा से अपने फ्रेंच फ्राइज ऐड कर देते हैं। ये देखें अच्छे तरीके से ये कुक हो चुके हैं और क्रिस्पी हो चुके हैं। तो चलें हम लोग इसको निकाल देते हैं। सबसे पहले ऑयल हम लोग इसको अच्छे तरीके से निकालेंगे और हम लोग इसको ऐड कर देंगे, डिश आउट कर देंगे। नीचे हम लोगों ने टिश्यू रखा है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी है एब्जॉर्ब हो जाए और ये हमारे लिए हेल्थी बन जाए। फ्लेम हम लोगों ने बंद कर दिए। चले हम लोग इसको इतना कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी है एब्जॉर्ब हो जाए और ये हेल्थी बन जाए हमारे लिए। तो जितना भी ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो गया। तो चले हम लोग इसको डिश आउट करते हैं। तो चले हम लोग इसके ऊपर सॉस डाल देते हैं। तो चलें अब इसके ऊपर हम लोग ओरिगानो गार्निश कर देते हैं। तो चलें व्यूअर्स अब हम लोग इसका टेस्ट ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे फ्रेंच फ्राइज इतने ज़्यादा चीज़ी हैं कि जैसे ही मेरे मुंह में फ्रेंच फ्राइज की पहली बाइट गई है, चीज़ सारा मेल्ट हो गया। ओह माय गॉड, और इतने मज़े की फीलिंग आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। जितने भी रेस्टोरेंट है सबको पीछे छोड़ दिया मेरे इन लोडेड चीज़ी फ्राइज ने, और जो फ्राइज है हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, कमेंट में ज़रूर बताएं आजकल हॉलीडेज चल रही है, आपको किस चीज़ की रेसिपी अच्छी लगती है, और मेरी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।